चमत्कार सेवा का जिक्र आपने किया तो राम मंदिर बन गया और आपने आपने एक बयान दिया तो असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जब बाबरी मस्जिद गिर रही थी तो मैं वहीं खड़ा था, तो उन्होंने आपका काफी विरोध किया उस पर, आप वहीं थे वहां पे थे? हाँ बिल्कुल, मैं वहीं था, मैं तो कार सेवक था, मैं सारी कार सेवाओं में गया हूँ। पहली कार सेवा में मैं बदायूं जेल में था, जब जिस समय बाबरी ढांचा नीचे आया उस समय मैं वहीं पर था। सवाल ये नहीं है, देखिए पहले दिन से हम ये मानते हैं कि कलंक का ढांचा ये मस्जिद नहीं है। देखिए मैं पूछना चाहता हूँ, जिस मीर बाकी ने वो ढांचा वहाँ तैयार किया उसने भी तो कभी नमाज अदा नहीं की वहाँ, किसने नमाज अदा की है? ये तो एक प्रकार से हिंदुओं को हतोत्साहित करने के लिए जी। जो हमारे राम मंदिर पर हमला हुआ था तो उस समय बाबर ये बताना चाहता था कि देखो हिंदुओं तुम्हारे राम भी तुमको नहीं बचा सकते, हम तुम्हारे राम से भी ज़्यादा पावरफुल है। उसके पीछे की उनकी मंशा या राजनीतिक मंशा थी, इस देश को गुलाम बनाने की मंशा थी, इसलिए उन्होंने उस मंदिर को तोड़ा था, वरना वो तो कहीं भी मस्जिद बना सकते थे, लेकिन वहाँ क्यों उन्होंने वो ढांचा तैयार किया? तो इसलिए ये कलंक का ही ढांचा था और इस ढांचे को तोड़ने के लिए जिस समय कार सेवक वहाँ गए उस समय सारे कार सेवक ये मानते थे कि हमारे राम जी के मंदिर का पुनर्निर्माण हमको करना है, इसके ऊपर एक कलंक का ढांचा बना है, इस ढांचे को हमको नीचे लाना है और हमारे मंदिर को फिर वहां स्थापित करना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं वहां पर था इसका मुझे अभिमान है, मैं वहां पर था इसका मुझे गर्व है। असदुद्दीन ओवैसी को अगर बाबरी ढांचा नीचे आने से कोई गम होता होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको लख लाभ है, मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो ढांचा नीचे आए।